तमिलनाडु के अपने सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तमिल कार्तिक माह में काशी तमिल संगमम का यह आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब इसके प्रति आभारी हैं। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकारों, साहित्यकारों सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े हुए 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से यहाँ पर संवाद भी करेंगे। तमिलनाडु के सभी श्रद्धालु यहाँ से प्रयागराज जाएंगे और इसके बाद अयोध्या भी भ्रमण करेंगे, जहाँ निर्मित हो रहा भव्य श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद, जिसमें आगामी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु राम विराजमान होंगे, वहां का भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विशेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं। यह ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री राम भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस महायज्ञ को वर्तमान में एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। उनके सशी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और पुनर्स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका जीवंत उदाहरण है। गत एक वर्ष में तमिलनाडु एवं अन्य दक्षिणी राज्यों से काशी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली है। काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं। इससे गंगा जी के तट पर बसी हुई यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। यहाँ ज्ञान, धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, कला और शिल्प का अद्भुत समागम है। इसी तरह तमिलनाडु भी प्राचीन काल से ही संस्कृति, ज्ञान, कला, शिल्प और साहित्य का केंद्र रहा है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। भारत में संस्कृत एवं तमिल साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य है। समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का यह स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। काशी तमिल संगम के आयोजन से तमिलनाडु के अतिथि न केवल उत्तर प्रदेश और काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, अभी तो उत्तर और दक्षिण के इस संगम से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नया बल भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के प्रति एक बार फिर से
हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका उन्हीं की काशी में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी अतिथियों का भी मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। மாண்புமிகு உத்தர பிரதேச முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் சுருக்கத்தை இங்கே உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக சுருக்கமாக சொல்கிறோம். தமிழகத்திலிருந்து